सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया, नंबर वन प्लेटफॉर्म फॉर योर सेबी ग्रेड ए एग्जामिनेशन। टुडे वी आर हेयर टू डिस्कस लास्ट वन मंथ स्ट्रेटजी ऑफ सेबी ग्रेड एग्जाम, कि लास्ट के एक महीने में हमें किस हिसाब से तैयारी करनी चाहिए कि हमारा बहुत अच्छे से एग्जाम क्लियर हो जाए। और मैं यहाँ पे फेस वन और फेस टू दोनों की बात करूँगा, ठीक है, खासकर क्योंकि स्टूडेंट्स की बेसिक यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग जो होती है वो ये होती है कि लेट अस फर्स्ट प्रिपेयर फॉर फेस वन, देन वील गो फॉर फेस टू। फेस वन में ऐसा कुछ ज़्यादा मतलब हड़कंप मचाने वाली बात तो है ही नहीं, आपके छोटे छोटे से चार सेक्शंस आते हैं और उसमें भी बहुत लिमिटेड सी चीज़ें अगर आप क्लियर कर लें, कवर कर लें, तो आपका एग्ज़ाम इजीली क्लियर हो सकता है। बट फेस टू में आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, वहाँ पे आपके बहुत सारी चीज़ें, एक एक चीज़ों को डिस्कशन करेंगे और रेंडमली मैं आपको बताऊँगा कि किन किन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करने की आपको ज़रूरत है, क्लियर। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिए। फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन यू कैन कॉल अस और मैसेज अस एट 783777 3651। इस नंबर पे आप हमें कॉल भी कर सकते हैं और इस नंबर पे आप हमें स्टूडेंट्स व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, क्लियर। बोथ आर फैसिलिटीज आर अवेलेबल, क्लियर। सो लेट अस प्रोसीड विद द वीडियो। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले कुछ जनरल चीज़ों की डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले फेस वन कब है स्टूडेंट्स हमारा, 27 जुलाई को, ऑलमोस्ट महीने से थोड़ा ज़्यादा टाइम। मैंने लास्ट एक महीना क्यों लिखा, क्योंकि मैं चाहता हूँ लास्ट के 4 से 5 दिन में आप सेल्फ स्टडी करें, कुछ ज़्यादा एक्सपेरिमेंट मत करें। क्योंकि जब आप एक महीने इन जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ इनको अगर आप कर लेंगे ना, तो उसके बाद आपको आपके लूप होल्स पता चलने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि बेसिकली रिवीजन से थोड़ा सा, रिवीजन का टाइम तो नहीं कहूँगा, थोड़ा सा इंप्लीमेंट करने का टाइम है जो चीज़ें आपने अभी तक नहीं की हैं। और जिन बच्चों ने अब तक तैयारी शुरू नहीं की उनके लिए बहुत डिफिकल्ट रह सकता है, मैं ये नहीं कहूँगा कि होगा नहीं। हाँ, जो कॉमर्स बैकग्राउंड के नहीं है उनके लिए थोड़ी सी डिफिकल्टी बहुत ज़्यादा लेवल होगा, क्योंकि आपके बहुत सारे कॉमर्स के सब्जेक्ट्स इसमें पूछे जाते हैं। बट पॉसिबल है ना, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एक एग्ज़ाम क्या करेगा, डिफाइन करेगा आपकी आपको, ठीक है। तो अगर आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं, क्वालिटी का पढ़ सकते हैं, तो यू कैन डू इट, क्लियर। अभी पीडी आपके साथ लगातार बना हुआ, और फेज टू है आपका 31 अगस्त को। तो ऑलमोस्ट एक महीना हमारे पास फेज वन और फेज टू के बीच में है, यहाँ पे है हमारे पास। तो अगर फेज वन आप अच्छे से क्लियर कर लेते हैं, फेज टू के लिए आप बेसिक चीज़ों की जो नॉलेज है वो रखते हैं, तो आप फेज टू की तैयारी अच्छी कर सकते हैं आपको। हाँ, अगर आप ये कहोगे सर मुझे पेपर का पैटर्न नहीं पता, मैंने कभी कुछ नहीं किया, तो फिर बड़ी मुश्किल हो सकती है आपके लिए, ठीक है। क्योंकि इतने बड़े लेवल के एग्जाम, जब आप सेबी ग्रेड ए लेवल के एग्जाम की बात करते हैं, तो एक छोटा मोटा एग्जाम नहीं, काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। जिनका कॉमर्स बैकग्राउंड, उन्हें भी कई बार क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं समझ आती, तो आपने जब कॉमर्स बैकग्राउंड ही नहीं है, कुछ स्टार्ट ही नहीं है, तो डिफिकल्टी तो डेफिनेटली आएगी। बट डरना नहीं है, अगर जज्बा है तो आप तैयारी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखिए जरा, चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट देखिए। ये फेज वन और फेज टू का जर्नल है, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ये आपका फेज वन और फेज टू का पैटर्न है, मैं अच्छे से डिस्कस कर चुका हूँ इसको, ठीक है, कि क्या क्या चेंजेस हुए थे। याद हो अगर वीडियो, बहुत अच्छी वीडियो बनी थी वो, क्लियर, आप लोगों ने पसंद भी की थी। अब मैं बात करूँगा यहाँ पे पेपर के पैटर्न की और कौन कौन से टॉपिक्स मेरे पास एग्जाम्स में आते हैं। देखो, अगर पेपर वन की मैं बात करता हूँ, सबसे पहले जनरल अवेयरनेस आता है, इंग्लिश लैंग्वेज आएगा, आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा जिसे हम बहुत अच्छे से कवर कर रहे हैं, और आपके लॉजिकल रीजनिंग आते हैं। चार बेसिकली मेरे पास यहाँ पे टॉपिक्स आते हैं। अब स्टूडेंट्स को देखो, एप्टीट्यूड अगर आप बेसिक जैसे हम पढ़ रहे हैं बेसिकली पढ़ लेंगे, तो एप्टीट्यूड में आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, अगर आपके पास एप्टीट्यूड स्ट्रांग है ना, तो रीजनिंग आपके लिए अपर हैंड हो सकता है, समझ आ गई बात। यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज भी बहुत ज़्यादा वास्ट नहीं है, बहुत नॉर्मल लेवल की। जो दिक्कत आपको, परेशानी क्रिएट करेगी ना, वो आपको जनरल अवेयरनेस करती है। कि कई बार बच्चे बेसिक क्वेश्चन क्या होता है, सर कितने टाइम के लिए पढ़ना चाहिए, कितने टाइम के पढ़ें, मेरे हिसाब से 4 to 6 months इनफ होगा। 4 to 6 months आर इनफ। इसकी खास बात भी बताऊंगा कि बेसिकली पर्टिकुलर क्वेश्चन किस डिपार्टमेंट से ज्यादा पूछे जाएंगे, तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि सर क्या कहना चाहते हैं, क्लियर। तो ये पेपर वन का सीधा सा मेरे पास फंडा है, कोई ऐसी बात नहीं है कि आपको समझना है, क्लियर है। कट ऑफ आपको अच्छे से पता है कितनी चाहिए मुझे, ठीक है, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि आपको पता नहीं पता। चलिए नेक्स्ट देखिए जरा। अब बात करते हैं जिसकी चर्चा जोरों शोरों पे होती है,
कि आप अगर आप पेपर टू की बात करते किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं और कैसे कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। बेसिकली मेरे पास कॉमर्स बैकग्राउंड से क्वेश्चन आते हैं, आपके अकाउंटेंसी से आते हैं, मैनेजमेंट से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, आपका फाइनेंस हो गया, कोस्टिंग हो गया, आपके कंपनीज एक्ट हो गया और इकोनॉमिक्स, ये बेसिक क्वेश्चन आपके पास आते हैं। अब ज़्यादा अगर मैं बेसिकली बात करूँ, ये 7-8 टॉपिक्स हैं, ज़्यादा किससे आते हैं उसकी चर्चा भी करूँगा अभी मैं। बट अगर कोई बच्चा कॉमर्स बैकग्राउंड का है ना, उसके लिए काफ़ी ईजी हो जाता है क्योंकि उसने ये सारी चीज़ें पढ़ी होती हैं, ठीक है, और इन डेप्थ पढ़ी होती है। अगर कोई नया स्टूडेंट है उसको तो ये समझ ही नहीं आएगा कि है क्या। तो इसीलिए मैंने शुरू में ही कहा था कि अगर आपका कॉमर्स बैकग्राउंड नहीं है और आपने अभी तैयारी शुरू नहीं की तो आपके लिए काफ़ी डिफिकल्ट रहने वाला है सफ़र। ये जो 1-2 महीने का सफ़र है आपके लिए बहुत डिफिकल्ट रहने वाला है। प्रीलिम्स में आप बेशक अच्छा परफॉर्म कर लें, बट मेंस के लिए या आपके ये कहो आप फेज 1 में अच्छा परफॉर्म कर लें या आप फेज 2 की अगर बात करोगे, प्रीलिम्स मेंस को ना एक तवज्जो देके मैं सिर्फ फेज 1 फेज 2 के ऊपर आता हूँ जो मेरे को टेक्निकल वे में बताया गया है। फेज 2 की अगर मैं बात करूँ तो ये सब्जेक्ट्स आने बेसिकली, ठीक है। तो आपको कहीं ना कहीं फोकस करना पड़ेगा कि क्या चीज़ें आपको आती क्या चीज़ें नहीं आती, बिकॉज इतने बड़े एग्जाम की तैयारी करने के लिए आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि सिलेबस की। अगर ये सारी चीज़ों की थोड़ी थोड़ी नॉलेज है तो आप ट्राई कर सकते हैं कि हो सकता है, क्लियर। बाकी हम तो आपके साथ आई, जो भी आपके पास सिलेबस है सब कुछ कवर है, ठीक है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया ही हुआ है, वो भी चीज़ें बाद में बताऊँगा मैं, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब मेरे पास कुछ जनरल टिप्स हैं, वो किसी भी एग्जाम के लिए, वो किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, मैं बिल्कुल सेबी की बात नहीं करूंगा, कोई भी जर्नल एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम जब आप बड़े लेवल की तैयारी करते हैं तो क्या वो पॉइंट्स हैं जो आपको एक नॉर्मल स्टूडेंट से आगे लेके जाएंगे, आज उसके बारे में मैं थोड़ा डिस्कशन करना चाहूंगा। ये आपको ऑलरेडी क्या पता है इसमें सबका आपको पता भी हो, क्या पता है इससे ज्यादा 2 पॉइंट हो, बट मैं जो चीजें बताऊंगा वो प्लीज आपने थोड़ा सा कंफर्टेबली होकर उनको धारण कर लेना, मतलब डेली लाइफ में उसको कर लेना है। अब सबसे पहली बात क्या, रेगुलर स्टडी। मतलब रेगुलर स्टडी का मतलब क्या है, आपने बेसिकली हर एक सब्जेक्ट को टाइम देना है। अगर आप फेस वन की बात करें, अगर आप पूरे दिन एप्टीट्यूड पढ़ रहे हैं वो भी गलत है, पूरे दिन आप जीए पढ़ रहे हैं वो भी गलत है, इक्वल टाइम डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए मुझे। अगर आपको लग रहा है कोई आपका सेक्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जैसे रीजनिंग इसका स्ट्रॉन्ग हो, तो हाँ वहाँ से थोड़ा सा टाइम बचा के एप्टीट्यूड पे लगा सकते हैं, इंग्लिश आप जीए पे लगा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, बट रेगुलर स्टडी हैज़ टू बी देयर। डिस्ट्रीब्यूशन, टाइम डिस्ट्रीब्यूशन आपको करना पड़ेगा, ठीक है। चूज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मतलब आपको चुनाव करना पड़ेगा, आपको चूज करना पड़ेगा व्हाट आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट मतलब टॉपिक्स जहां से ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये पता चल जाए, ये किससे चलेगा आपको पता, सर्च आउट कीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सा देखिए थोड़े बहुत, अगर आपको मिलते हैं तो, क्लियर है। नहीं मिलते तो आपके पास एक नंबर बताया था मैंने 7833777 इस नंबर पर कॉल व्हाट्सएप करेंगे तो आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दी जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। से भी ग्रेड ए एग्जाम से रिलेटेड नेक्स्ट क्या, प्रैक्टिस थ्रू प्रैक्टिस इनफ फॉर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मुझे पता तो चल गए, बट इंपॉर्टेंट टॉपिक के पता चलने से क्या होगा, कुछ भी नहीं। मुझे बेसिकली उनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मुझे उनको देखना पड़ेगा कि व्हाट आर द मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट क्या लग रहे हैं इसमें। जैसे अगर मुझे एप्टीट्यूड करना है तो अगर प्रॉफिट लॉस से कोई क्वेश्चन आ रहा है तो भैया किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, क्लियर है। तो आपको उसको इंप्लीमेंट भी तो करना पड़ेगा, ऐसे टॉपिक जानने से क्या होगा। नेक्स्ट क्या है, क्वालिटी क्वेश्चंस, आपको क्वालिटी के क्वेश्चन करने हैं। ऐसा नहीं है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छोड़ के नॉर्मल क्वेश्चन कर लिया और लग गया हो रहे हैं क्वेश्चन, नहीं। आपको क्वालिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी एग्जामिनेशन हॉल के लिए, कोई चारा नहीं है, बिकॉज बच्चे बहुत पढ़ रहे हैं, बहुत तैयारी कर रहे हैं, हमारे पास डेली इतनी क्वेरीज आती है, वी नो वेरी वेल अबाउट द सेबी एग्जाम की कितने बच्चे तैयारी कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रीवियस ईयर पेपर्स, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये मिल जाए ना तो काफ़ी हद तक आपकी जो समस्या उसका समाधान हो जाएगा, बिकॉज प्रीवियस ईयर पेपर ही बताएंगे आपको किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। मुझे कैसे पता चला मैनेजमेंट से क्वेश्चन आता है, मुझे कैसे पता चला कॉस्टिंग से क्वेश्चन आता है, यही चीज़ें हैं जो पता कर रही हैं, इसी के थ्रू पता चला। डेप्थ नॉलेज ऑफ टॉपिक्स एंड सब टॉपिक्स, कहने का मतलब क्या है कि अगर मुझे कॉस्टिंग पढ़ने तो कॉस्टिंग से आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, आपको पता है अच्छे से, तो मुझे पता होना चाहिए कि कहाँ से क्या क्वेश्चन बना। पूरी कॉस्टिंग तो बहुत बड़ी है, मैनेजमेंट के बहुत सारे पार्ट हैं जो बहुत बड़े, बट मैनेजमेंट के किस पार्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वो आई मस्ट नो ना। तो बस वो यहीं से पता चलेगा कि डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए आपको उस टॉपिक और उस सब टॉपिक की, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, अब देखो, डू नॉट टेक लाइटली फेज टू। आपको फेज 1 के साथ फेज 2 की तैयारी भी चलानी पड़ेगी। मैंने शुरू में बताया था कुछ स्टूडेंट ऐसे ऐसे होंगे जो कहेंगे फेज 1 को देखें फिर फेज 2 का निपटारा करें, नहीं।
आपको फेज टू साथ लेके चलना पड़ेगा, कोई चारा नहीं है, बिकॉज एक महीने में आपको इतना सारा पढ़ लें इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो अभी से आपका ऐसा शेड्यूल बनाए, स्ट्रेटजी अपनी ऐसे बनाए कि फेज वन के साथ आप फेज टू को भी इजीली क्रैक कर पाएं। मैं फिर वही कहूँगा, अगर दिक्कत आती है, स्ट्रेटजी प्लान नहीं बन रहा, स्टडी प्लान नहीं बन रहा, जो नंबर दे उस पर कॉल व्हाट्सएप कीजिए, वी विल गाइड यू, हम आपको मेंटोर करेंगे, अच्छे से बताएंगे सारी चीज़ों को। समझ आएगी बात? नेक्स्ट इज आपको मॉक टेस्ट लगाने चाहिए, आपको मॉक टेस्ट लगाने चाहिए कम से कम 10 से 15 बिफोर प्रीलिम्स। मैं ज्यादा नहीं कह रहा, 10 से 15 मॉक टेस्टों में आपको ये पता चलेगा, यहाँ पे लूप होल का पता चलेगा, लूप होल का पता चलेगा, आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में क्या चीज कमी है। मॉक टेस्ट का बेसिक रीजन क्या है? क्या मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं जो क्वेश्चन आ रहा है? नहीं, जो क्वेश्चन मॉक टेस्ट में मैं कर पा रहा हूं या कर पा रही हूं वो तो ठीक है, बट व्हाट अबाउट दोस टॉपिक जहां से मुझे कुछ आ ही नहीं रहा? एक मॉक टेस्ट लगाओगे, दो लगाओगे, तीन लगाओगे, चौथे मॉक टेस्ट में आपको एक्चुअली में प्रिडिक्शन हो जाएगी कि मेरा कौन सा टॉपिक छूटा हुआ या मैंने कौन सा नहीं किया। दैट इज द ब्यूटीफुल नेचर ऑफ दिस मॉक टेस्ट सीरीज, क्योंकि मॉक टेस्ट ही है जो आपको ऊपर लेके जाएगा, मॉक टेस्ट है जो आपको नीचे लेके आएगा। मैं बता रहा हूं आपको, नीचे लाने का सवाल नहीं है, ऊपर ही लेके जाएगा मॉक टेस्ट। रीजन क्या है इसका? कि मॉक टेस्ट एक्चुअली बता देगा आपको कौन सा टॉपिक आपको नहीं आता। तो भैया करिए तैयार, उसे उसको करना पड़ेगा आपको, करिए, एग्जाम क्लियर करना है, हमें जॉब चाहिए। समझ आ गया? सपना है हमारा सेवी ग्रेड है का, तो हमें बनना है, कुछ बनना है। तो ये मॉक टेस्ट है जो एक सूत्रधार बोलते हैं ना कि हाँ एग्जाम तक लेके जाएगा, वही वाली बात है बस। तो नॉर्मल रहिए, कुछ ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है, मॉक टेस्ट लगाइए और चलते चलिए। क्लियर? चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब फेज टू, जब फेज वन हो जाएगा ना, फेज टू के इतने सारे टॉपिक्स हैं ना, उनका प्रेशर इतना ज्यादा होगा ना, फेज टू के लिए आप इंग्लिश की प्रैक्टिस कर नहीं पाओगे। तो साथ ही साथ इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, ये अलग से मैंने इसीलिए लिखा है। ठीक है, चलिए, मोर फोकस ऑन इकोनॉमिक्स, अकाउंटिंग, कॉस्टिंग एंड मैनेजमेंट। देखो, जो ये आपका कॉस्टिंग है ना, यहाँ से आपके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं, कॉस्टिंग से न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं, आपका इकोनॉमिक्स से इतने सारे क्वेश्चन आते हैं, अकाउंटिंग से आते हैं, कॉस्टिंग से तो मैंने बताया दिया, न्यूमेरिकल मैनेजमेंट, ये 3-4 सब्जेक्ट हैं जहाँ से मेजर पोर्शन आपके पेपर का कवर होगा। हाँ, इकोनॉमिक्स वगैरह से भी कम क्वेश्चन नहीं आते, बट जो मेजर मेरा पोर्शन है ना, बेसिकली इन 3 से 4 टॉपिक से मेरा मेजर पोर्शन कवर होता है। तो मत छोड़िए, आज ही से प्रण ले लीजिए कि मुझे ये चीज़ें पढ़नी है। नहीं समझ आ रहा तो मैंने आपको नंबर बताया, उस नंबर पर कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, विल गाइड यू कि कैसे पढ़ना है। समझ आ गई बात? कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए, सो चलिए नेक्स्ट इज, अब देखो जरा, अब मैं जनरल अवेयरनेस की बात करूँ ना, मेजर पोर्शन कहाँ से कवर होता है मेरा, मेजर पोर्शन मेरा कहाँ से कवर होता है जीए के लिए? देखिए, अगर मैं जीए की बात करूँ तो रेगुलेटरी बॉडीज मेरी आरबीआई, सेबी होगा, नबार्ड एक्सेट्रा, इनमें जो चीज़ें चेंज हुई, कोई नई चीज़ प्रोड्यूस हुई, कोई नया नोटिफिकेशन है, कुछ भी इनका आता है, वहाँ से जीए के क्वेश्चन आने हर साल आते हैं। तो मैंने आपको बेसिकली शुरू में बताया था कि मैं बताऊंगा कि कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो यहाँ से तो जो रेगुलेटरी बॉडीज के कोई भी नोटिफिकेशन है, इन्होंने कुछ एक्ट बनाया, कुछ भी हुआ ना, तो यहाँ से तो आपके क्वेश्चन आना ही आना, ध्यान रख लेना। तो पिछले अगर कुछ टाइम यहाँ कुछ चेंजेस आए तो यू मस्ट नो ईच एंड एवरी चेंज। क्लियर? चलिए, एमसीक्यू प्रैक्टिस, अनदर इंपॉर्टेंट इज एमसीक्यू प्रैक्टिस। मेरी एमसीक्यू प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए। वाई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्रैक्टिस, बिकॉज ये मुझे बताएगा कि मेरी गलतियाँ गए। ये एमसीक्यू प्रैक्टिस सेम वही काम करेगा जो मेरे मॉक टेस्ट करता है। सपोज करो 50 क्वेश्चन कोई सीरीज लगाने लगे, सारे एमसीक्यूज हैं, तो वहाँ पता चल जाएगा कौन से पार्ट के मेरे क्वेश्चन नहीं हो रहे। दैट इज द बेसिक सिनेरियो ऑफ द एमसीक्यू। क्लियर? तो एमसीक्यू सीरीज आपको लगानी पड़ेगी। क्लियर है? तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको लग रहे हैं, बट दीज आर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नाउ सेबी ग्रेड एग्जाम 2024 50% ऑफ चल रहे ऑल सेबी कोर्सेज पे। क्लियर? अगर मैं बात करूँ 50% का मेरे पास ऑफ चल रहा है ऑल सेबी कोर्सेज पे, मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए व्हाट वी हैव। चलिए देखिए, अभी पीडीएफ इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख जाएगा।
सिक्योरिटी ऑफिसर, ठीक है। यहाँ पे सारे सब्सक्रिप्शन है, अभी है वीडियो कोर्सेज, क्लियर है। तो यहाँ पे आपको दिखेगा सेबी का कंप्लीट कोर्स, क्लियर है, क्लियर, ठीक है। तो सेबी ग्रेड ए ऑफिसर एग्जाम, तो ये आपके पास पूरा का पूरा कोर्स यहाँ पे दिया हुआ है, क्लियर। और यहाँ पे सारे के सारे वीडियोस आप देख सकते हैं, कुछ आपके डेमो वीडियोस भी दी हुई हैं, और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया, क्लियर। एंड द कोर्स फीस इज, मैं जैसे कि बताया 50% ओनली 6000, क्लियर। सो डू वेल, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, और प्लीज लास्ट एक महीने के लिए स्ट्रेटजी अपनाइए और अपना एग्जाम क्लियर कीजिए। थैंक यू। सारे के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जाएंगे। कोई डाउट हो तो जो नंबर बताया 7837365 उस नंबर पर कॉल व्हाट्सएप कीजिए। थैंक यू।